नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे श्रेष्ठ भारत यूट्यूब चैनल से आज एक आपके साथ सामने एक और बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं पीली सतावर। जो इसका गुणवत्ता है, औषधीय गुण है इसका, ये मुख्य रूप से तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या कई ऐसे क्षेत्र हमारे भारत के वहाँ मूल रूप से पाई जाती है, लेकिन औषधि के रूप में इसका प्रयोग बड़ा बढ़ता जा रहा है। और आप इसी बात से इसकी कीमत लगा सकते हैं कि 300 रुपये किलो से 350 रुपये किलो जो सतावर होती है सूखी, जो इसकी जड़ के रूप में प्राप्त होती है हमें, और 30,000 रुपये कुंटल के हिसाब से ये मार्केट में बिकती है। औषधीय प्रयोग इसका इतना बढ़िया है कि स्वास्थ्यवर्धक है। शरीर में कमजोरी हो तो पौरुष बल या ताकत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो आप देख रहे हैं, ये इसके सतावर का ये पौधा है, ये औषधीय पौधों में इसका प्रयोग होता है। दूसरा बताना चाहूँगा कि इसकी जो लगाने का समय आपको बताना चाहूँगा, मई से जून तक का है। बहुत बढ़िया टाइम है मई। जो ये मैं आपको इसलिए जानकारी देना चाहता हूँ कि जो मई का महीना चल रहा है, मई जून का ही समय होता है इसकी अच्छी रोपने के लिए, इसकी रुपाई के लिए। और ये जो तैयार हो जाती है, तैयार होने में पकने में पूरा समय लगता है 18 महीने, 18 महीने आपसे ही बिकती है। और इसका एक फ़ायदा और बताना चाहूँगा, अगर आप इसे अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो इसका लाभ और है कि ना तो इसको नील गाय खाती है, ना कोई जंगली जानवर इसको खाता है। शुरुआती दौर में जब ये आरंभ होता है तब तो इसकी सुरक्षा करनी आवश्यक होती है, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं ये बड़ा हो जाता है तो इसमें कांटे आ जाते हैं। इन कांटों की वजह से इसकी अपने स्वयं की सुरक्षा स्वयं करता है। ये देख रहे हैं कांटे हैं इसमें। और जब ये बड़ा होता है, जड़ इसकी एक पौधे में से जब ये अपनी पूर्व 18 महीने बाद इसके जड़ में से 5 से 6 किलो सतावर जो जड़ के रूप में प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हमें, और फिर उसके ऊपर की परत हटाकर सुखाया जाता है धूप में। सूखने के बाद जो जड़ बचती है उसकी, वही बिकने के लिए तैयार होती है, इसके पाउडर भी बनाए जाते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है कि पशुओं में भी दूध की कमी अगर है, आप दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये पशुओं को दे सकते हैं, बकरी को, गाय को दे सकते हैं, भैंस को दे सकते हैं, ताकि इससे दूध में वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ महिलाओं में भी इसे, महिलाओं को भी अगर क्या कहते हैं, दूध में वृद्धि करने के लिए, शरीर में ताकत के लिए, या पुरुषों में ताकत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके चूर्ण को इसके आयुर्वेदिक कंपनियां जो हैं इसकी डिमांड बहुत करती हैं। दिल्ली में NCR में बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, पतंजलि है, वैद्यनाथ है, या और भी नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन नंबरों पर भी अगर आप इसकी खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं, वो व्यक्ति आपसे खरीद लेंगे। और इसका पैदावार करने के बाद ये एक पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या है कि आप सो भी रहे हैं और लगा के छोड़ दीजिए, और 18 महीने बाद इसकी जो पैदावार कटाई होती है उसके बाद इसका आप लाभ उठा सकते हैं। और अपनी रोग सुरक्षा ये खुद करता है, और इसकी जड़ को आप घर में भी कोई बच्चा यूज करे तो उसके अंदर अच्छी ताकत, स्टेमिना आती है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है ये, और शरीर के जितने जॉइंट के पेन हैं उनको उनमें रिलीफ देता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसका स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वरोजगार की दृष्टि से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मैं आपको अभी बताऊंगा कि कितनी लागत आती है, कितने समय बाद क्या इनकम होती है, और इनकम होने के बाद इसका अच्छा स्वरोजगार हम कर सकते हैं। खेती के साथ साथ हम केवल धान, गेहूं और गन्ने तक ही सीमित ना रहें, इसकी औषधीय पौधों की खेती करें। और खेती करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना जानकारी के इसका जो व्यापार आप शुरू ना करें, इसके लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान या RCT के माध्यम से, या प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है उसके माध्यम से इसकी निःशुल्क प्रशिक्षण होता है। इसे कहते हैं औषधीय पौधों की खेती। उसमें लगभग 10 से 15 औषधीय पौधों, जैसे कि लेमन ग्रास हो गया, सतावर हो गई, सर्पगंधा हो गया, एलोवेरा हो गई, और भी बहुत प्रकार के औषधीय पौधों की खेती के बारे में बताया जाता है कि कैसे किसान अपनी आमदनी को दोगुना कर सकता है, अपने आय को बढ़ा सकता है। और इसके साथ साथ हमारे, आपने पीछे अखबारों में पढ़ा होगा कि पूरे विश्व में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सप्लायर जो है चाइना है,
जबकि भारत इसका जन्मदाता है। भारत आयुर्वेद की जननी कही जाती है कि भारत में इसका जन्म हुआ है, लेकिन हमारा देश इन चीज़ों को प्रति जागरूक नहीं है। हमारा देश का युवा अगर जागरूक हो जाए और परंपरागत खेती से हटकर, लीक से हटकर कुछ अलग कार्य करे। आप जाएंगे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के भी पश्चिम, वेस्ट यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर खेती की जाती है अश्वगंधा की, लेमन ग्रास की, सर्पगंधा की और एलोवेरा की। इससे ही कम लागत में ही अच्छी आमदनी युवा कमा रहे हैं। और मैं आपको लिंक में आपको नाम नंबर भी दूंगा उनके, जहां पर अपने अगर आप इसका खेती करते हो तो वहां जाकर अपना बेच सकते हैं या अपना ब्रांड बनाकर आप भी बेच सकते हैं। और आपको भी बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना और भी कई योजनाएँ हैं जहाँ पर जड़ी बूटियों के उत्पाद बनाने के बाद अपना खुद का आप यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसमें सरकार द्वारा सब्सिडी पर ऋण वितरित भी किया जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, ओबीसी के लिए 35% की सब्सिडी होती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, और जन सामान्य जाति के लिए 25% की सब्सिडी की स्कीम है। अगर कोई युवा इस कार्य को करना चाहता है तो कर सकता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10 लाख रुपये तक का ऋण है, जिसमें सामान्य जाति के लिए 4% ब्याज की सब्सिडी होती है और अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के लिए, महिला के लिए ब्याज की पूरी सब्सिडी यानी पूरा ऋण बिना ब्याज का आपको उपलब्ध हो सकता है। ये इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 जून है, जो कि मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना है। 30 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद आपको यह ऋण की आवश्यकता है। खेत आपका खुद का है तो आप प्रशिक्षण लीजिए RCT से। बिना प्रशिक्षण लिए कोई ऋण मत लीजिएगा, इस काम को शुरू मत कीजिएगा, प्रशिक्षण का बड़ा महत्व है। अगर आप भी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं औषधीय पौधों की खेती की या कृषि उद्यमी की, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर से अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपने गांव का पता भेजिएगा। आपकी उम्र 18 साल से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, साक्षर होने चाहिए आप, और उस पर अपना नाम एड्रेस भेज सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 70172060488, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है। जनपद सहारनपुर के जो युवा हैं इस नंबर पर अपना आवेदन कर सकते हैं। हम आपका एक बैच बनाकर इस प्रशिक्षण को चालू कर देंगे। कोई भी फीस नहीं है, भोजन प्रशिक्षण, आवासीय प्रशिक्षण है। कोई व्यक्ति अगर दूर का है, नहीं जा सकता घर, तो उसके रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। पूरी निःशुल्क प्रशिक्षण है, प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा और विभिन्न सरकारी योजनाओं में यदि आपको ऋण की आवश्यकता है, डिफाल्टर आप नहीं है, तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। RCT के माध्यम से उसमें आवेदन किया जाएगा। प्रशिक्षण निःशुल्क है, पर पूरे साल में एक प्रशिक्षण चलता है, सीट केवल 30 होती हैं, तो आप अधिक से अधिक मात्रा में व्यक्ति अगर इच्छुक हो, लेकिन इच्छुक हो तभी आप इसमें आइएगा, केवल फॉर्मेलिटी के लिए मत आइएगा। इसमें अपना नाम नोट करा सकते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत आप देखेंगे कि परंपरागत खेती से हटकर हमने ये कार्य शुरू किया है, और इस कार्य में एक फायदा और भी है कि इसमें कोई जंतुओं से कोई अलग कोई नुकसान नहीं है, ये स्वयं अपनी रक्षा कर रहा है। जैसे एलोवेरा को पशुओं से कोई हानि नहीं है, लेमन ग्रास से पशुओं के हानि नहीं है, अश्वगंधा से भी, और सतावर जो है ये अपने सुरक्षा स्वयं करते हैं, पैसे इनकम आपको प्राप्त होगी। आप इसका लाभ उठाएं और अधिक अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सुधार हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, आगे हम आने वाले वीडियो में उसमें सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और ग्राम्य विकास केंद्र में आज हम मिलते हैं अरविंद राणा जी से, निवासी हैं बाबेल बुजुर्ग के, और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ से शिक्षित हैं और औषधीय पौधों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और किसानों को भी जानकारी देते हैं। मिट्टी जांच के बारे में जानकारी अच्छा विशेषज्ञ हैं, क्योंकि कोई भी खेती हम शुरू करते हैं तो मिट्टी की जांच का भी बड़ा महत्व होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सतावर के बारे में मैंने बताया, इसमें बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी के द्वारा भी इसको आप आरम्भ कर सकते हैं, और लंबी कोई सिंचाई की इसकी आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं अपने आप में अपनी रक्षा करता है और ज़्यादा सिंचाई की इसमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरे हमारे बीच उपस्थित हैं ऋषिपाल जी, हुसैन मलकपुर के निवासी हैं, पशु चिकित्सक हैं, जिन्होंने
मनुष्यों के लिए तो ये सतावर लाभदायक है ही, इसके साथ साथ पशुओं को भी इलाज करते हैं, तो पशुओं को भी विशेष मात्रा में देते हैं, तो उसका क्या लाभ होता है? तो ऋषिपाल जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि सतावर का क्या महत्व है, सतावर से क्या लाभ उठाया जा सकता है? देखिए, सतावर एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है, बहुत ही कीमती चीज़ है, और इसको मनुष्य तो अपने उपयोग में लाता ही है, लेकिन इसके लिए पशुओं में भी ये औषधीय गुणों का काम करती है। जैसे किसी पशु में कोई एनर्जी डाउन हो रही हो, अच्छा, कमजोरी महसूस हो रही हो, या उसकी दूध की मात्रा घट रही हो, अच्छा, किसी बीमारी के कारण किसी पशु को सुस्ती आ रही हो, या दूध घट रहा हो, या कमजोरी आ रही हो, अच्छा, तो सतावर उसमें जो है पीस करके उसको उसके जो पशु आहार होता है या उसको जो शाम को बांट बनोला देते हैं, अच्छा, तो उसमें मिला करके देते हैं, तो इसकी दूध की मात्रा भी बढ़ती है, सॉरी सा फैट भी बढ़ता है, अच्छा, और पशु स्वस्थ भी होता है। अच्छा जी, तो इसका हम जो जड़ होती है वही देना चाहिए या बिल्कुल ऐसे हरी दिखाई दे रही है ऐसे ही दे सकते हैं? नहीं, इसकी जड़ में होता है, इसकी जड़ में एक इसका लंबा सा तंतु सा होता है, अच्छा, और वो जड़ के रूप में होता है, क्रीम कलर में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो हमें पीस के देना होता है। हाँ, तो अगर वो सूखी हुई होती है तो सूखी हुई को तो उसको पीस करके पाउडर बनाकर दिया जाता है। अच्छा, और हम अगर हम उसको हरी यूज करते हैं तो हरी जू के तो इसको निकाल करके और उसको पका लेते हैं उसके बांड के अंदर और फिर वो पशुओं को दे देते हैं। अच्छा, तो उसकी बहुत ही ज्यादा उपयोगी चीज है ये, मनुष्य के लिए भी और पशुओं के लिए भी। इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए ऋषिपाल जी, अगर हम किसी पशु को एक दिन में देना चाहिए तो क्या मात्रा में देना चाहिए, कैसे, मतलब एक चम्मच, दो चम्मच, कितने ग्राम, कैसे देना चाहिए? देखो इसके जो है पशुओं में तो इसके बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि पशुओं का वेट जो होता है 3 से 4 क्विंटल तक होता है, 5 क्विंटल तक होता है। जी जी जी, तो इस वजह से आदमी तो इसका सिर्फ आधा चम्मच या एक चम्मच ही लेता है, लेकिन पशुओं में तो कम से कम 30 से 50 ग्राम तक दिया जाता है, दिया जा सकता है। कोई साइड इफेक्ट ना? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो एक आयुर्वेदिक औषधि है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, ऋषि पाल जी के पास बहुत बड़ा अनुभव है पिछले। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उससे ही पशुपालन में लगा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, और मैं पशुओं की सेवा कर रहा हूँ। पशुओं की देखिए सेवा करते हैं और आयुर्वेद से जोड़कर मनुष्य तो लाभ उठा ही रहे हैं, पशुओं को भी लाभ है, और सतावर उसी में से एक ऐसा जड़ी बूटी है, ये औषधीय पौधा है, मनुष्यों के साथ साथ ये पशुओं को भी लाभ देता है। हमारे प्रकृति में, हमारे देश में ऐसे कई प्रकार के जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे हैं, जिससे हमारा आधुनिक परिवेश में हमारा जो युवा है अनभिज्ञ है और वो जानना भी नहीं चाह रहा है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से या RCET के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से औषधीय पौधों की खेती और कृषि उद्यमी नामक प्रशिक्षण निःशुल्क चलाया जाता है प्रत्येक ज़िले में। आप वहाँ से ज़रूर लाभ उठाएँ, करें या ना करें, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति को आगे ले जाने में हमारा ही योगदान होता है। तो धन्यवाद ऋषिपाल जी, और अरविंद जी से हम जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे कि अच्छे मृदा जांच विशेषज्ञ हैं, तो खेतों में जैसे हम जड़ी बूटियाँ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मिट्टी जांच की क्या आवश्यकता होती है? मिट्टी जांच किसी भी फसल को उगाने के लिए उसके पोषक तत्व, उसका नॉर्मली pH, ऑर्गेनिक कार्बन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो जमाव के लिए उत्तरदायी होती है, उसकी जांच हो जाती है। हमें ये पता चल जाता है कि मिट्टी इस फसल को उगाने के लिए सक्षम है या नहीं है। अच्छा, तो उर्वरक की कितनी मात्रा ज़्यादा है, कम है, कितनी डालनी है, वो सब मिट्टी जांच से हमें पता चल जाता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा औषधीय पौधों के लिए, औषधीय पौधे एक ऐसे पौधे हैं कि हम इन्हें किसी भी तरह की भूमि में उगा सकते हैं। लेमन ग्रास भी इसी तरह का है, पीली सतावर भी हमारी इसी तरह की फसलें हैं, और पेपरमिंट भी है, और बहुत सारी फसलें हैं जो एरिया के अनुसार हम किसी भी भूमि में उगा सकते हैं। अच्छा, और हमारे देश में बहुत सी ऐसी भूमि है जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, और बिना पानी के ना मात्र पानी देकर भी हम इन फसलों का अच्छी तरह उगा सकते हैं। और भारतीय बाजार में औषधीय जो सामान है उसकी इतनी ज़रूरत है, हद से ज़्यादा। जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल कोरोना काल चल रहा है,
और ये बहुत ही सीवियर वायरस है। अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि गिलोय एक औषधि बनकर उभरा है, सुपर औषधि कहूँगा मैं उसे। जी बहुत डिमांड है इसकी, जिसमें सरकार भी पूरा समर्थन कर रही है कि इसको राष्ट्रीय औषधि के रूप में स्वीकार किया जाए या लाया जाए। कितनी वो भी ऐसी ही फसल है हमारी, उसे भी किसी भी तरह की भूमि में हम उगा सकते हैं और कोई पशु कोई जानवर कोई भी ऐसी क्षति नहीं होती कि जिससे उसे कोई नुकसान पहुंचा सके, जानवर भी उसे नहीं खाते। अच्छा, बहुत ही अच्छी औषधि है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, ये अमूल्य जानकारी आपने दी। और इस वीडियो के माध्यम से देश के उन बेरोजगार युवाओं को हम जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, ताकि वो जागरूक हों, अपनी देश की जो पुरानी संस्कृति है जो लुप्त होती जा रही है हमारे आधुनिक युवाओं में, वो इसको जानें समझें और इस पीढ़ी को, क्योंकि संस्कृति मनुष्यों के माध्यम से आगे बढ़ाई जाती है तभी सभ्यताएं बसती हैं। तो देश के युवा इस जड़ी बूटियों का जानकारी लें, क्योंकि इस कोरोना काल में जितना लाभ हमारी आयुर्वेदिक औषधियों ने बचाई है जान, वो बड़ा सराहनीय है। ऋषिपाल जी का, अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो के माध्यम से सभी युवाओं जो दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन औषधीय पौधों की सतावर की आप खेती करें, और ये मत चिंता करिए कहाँ बिकेगा, आप लगाइए, जानकारी लीजिए, हमारे पास ऐसे ख़रीदार हैं जो इन औषधीय पौधों को कटाई के बाद अगर आप बेचना चाहें तो अच्छे मूल्य पर आपको उसका मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें और अपनी आमदनी को बढ़ाएँ। धन्यवाद।